जैसा कि आपने सवाल किया था कि जो सिविक एक्शन प्रोग्राम चल रहे हैं सीआरपीएफ के, तो बेसिकली ये हो रहा है हमारे जो श्रीनगर सेक्टर है, जिसमें कि हमारे आईजी हैं श्री अजय कुमार यादव साहब जो हैं, उनके सुपरविजन के अंदर में ये पूरे जो 22 बटालियन हैं श्रीनगर सेक्टर के अंदर में, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जगह में सिविक एक्शन प्रोग्राम कर रही हैं। और सिविक एक्शन प्रोग्राम में जो हमारा फेस अभी जो चल रहा है वो ये चल रहा है मेडिसिन का, कि जो मेडिकल कैंप हम कर रहे हैं। और बेसिकली हमारा मकसद यही है कि ऐसे इलाके में करें या ऐसे लोग के लिए करें जिनको कि मेडिसिन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और जो मेडिसिन खरीद नहीं सकते हैं, और रिमोट एरिया में इसको कराया जाए। लेकिन हमारा जैसे यहाँ पर हेडक्वार्टर सोनवार के पास में है, इससे पहले पिछले महीने भी हमने एक कैंप किया था, मेडिकल कैंप किया था। और इसका मकसद यही है कि एक तो अभी आपने देखा जो हालात हैं, हालात में काफ़ी फ़र्क आया है, लोग खुलकर जो है फोर्सेस के साथ आ रहे हैं। पहले एक समय ऐसा भी था कि लोग थोड़ा सा झिझकते लोगों के अंदर कि हम फोर्सेस के पास जाएंगे तो लोग उसको गलत तरीके से लेंगे। लेकिन अभी वो चीज़ें हम ये बताना चाहते हैं लोगों को कि हम भी सोसाइटी का एक पार्ट है, वी आर वन ऑफ द फ्रॉम द सोसाइटी, हम उनसे अलग नहीं हैं। और जब बच्चे आते हैं, वो आते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, तो वो भी मोटिवेट होते हैं कि यूनिफॉर्म वाला जो आदमी है वो हमसे बिल्कुल अलग नहीं है। जिस तरीके से हम लोग हैं उस तरीके से ये लोग भी हैं। और एक अच्छे एक पॉजिटिव मैसेज भी जाता है, जो एक लोगों के अंदर झिझक थी वो भी खत्म हो रही है धीरे धीरे, और लोग एक दूसरे के साथ को कनेक्ट कर रहे हैं। और उसका बेनिफिट हमें ये हो रहा है कि लोग अपनी प्रॉब्लम लेके भी हमारे पास में आ रहे हैं, क्योंकि हमारा तो हेडक्वार्टर सोनवर में ही है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आसपास के यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं, तो जैसे उनको जनरल कोई मेडिसिन की ज़रूरत भी होती है तो वो हमसे आके हॉस्पिटल में आके भी दोबारा हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे भी हमने यहाँ पर डेवी दिया है, उसके बाद में कुछ कोरोनरी पेशेंट को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे यहाँ पे किडनी वाले डिजीज़ हो गए यहाँ पे, और ये ऑर्थोपेडिक वाले यहाँ हो गए, डेंटल भी, डेंटल इस बार हमारे पास में नहीं था। लेकिन इस तरीके से क्या होता है कि फॉलोअप भी हम उनका करते हैं, कि जो लास्ट मेडिकल कैंप हमने किया था तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनका अभी भी हम फॉलोअप कर रहे हैं। जैसे सामने जो जियारत बनी हुई है, तो जियारत के जो मेन आदमी जो है वहाँ पे मौलवी साहब जो है, वो भी हमारे पास अभी फॉलोअप पे हमारे साथ में है। तो इस तरीके की चीज़ें करने से ये रहता है कि एक तो एक अच्छी लोगों के अंदर जो मैसेज जाता है कि जो फोर्सेज हैं केवल उसके लिए नहीं है कि ड्यूटी पे खड़े रहें, वो करते रहें। और एक दूसरा, एक हमारे आदमी के अंदर भी एक अच्छी फीलिंग आती है कि पब्लिक के साथ में किस तरीके से डील करना है, जिसको कि हम यहाँ पे जो अपना सोनवार में जो क्रिकेट स्टेडियम है उसमें हम उसको करेंगे। और उसमें हमने ये किया है कि जो कश्मीर, जो सेंट्रल कश्मीर, मतलब बेसिकली इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कश्मीर बोलते हैं, जिसमें कि बड़गांव हो गया, गंदरबल हो गया, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसकी हम टीमें यहाँ पे इकट्ठी करेंगे। इकट्ठे करने के बाद में उस सभी टीमों के हम यहाँ पे लीग मैचेस हम कराएंगे उसमें, और उसमें हमने जो है कि जितने अभी सीनियर जो डिग्नेटरीज हैं उनको बुलाएंगे, और बुलाने के बाद में हमने प्राइजेस भी बहुत अच्छे रखे हुए हैं उसमें, और एक तरीके से टैलेंट हंट प्रोग्राम भी होगा। और जो हमें बच्चे वो आएंगे, अच्छे बच्चे जो टैलेंट उभर कर आएगा, उसको हम अच्छी तरीके से वो उसको कोशिश करेंगे कि उसको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करें। और जैसा मैंने आपने बोला, इसके अलावा भी, क्रिकेट के अलावा भी हमारा एक यहाँ पे चल रहा है स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हमारा चल रहा है, शुरू होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत से बच्चे क्या हो गया कि अभी गवर्नमेंट जॉब तो हर एक को मिल नहीं सकती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं। जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे गाँव में खास करके जो होता है कि कुछ एजुकेशन के बाद बच्चे क्या होते हैं, क्लास छोड़ देते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जैसे होता है कि कारपेंटर वाला प्रोग्राम हो गया, या फिर दूसरा हो गया आपका मेकअप आर्टिस्ट वाला हो गया, और तीसरा हो गया फ्रंट डेस्क वाला। जैसे फ्रंट डेस्क की रिक्वायरमेंट आपको कहाँ पे होती है, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं, या आपका हॉस्पिटल हो गए, या होटल हो गए, तो फ्रंट डेस्क में किस तरीके से डील करना है। और ये टोटली जो होगा सीआरपीएफ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होगा, इसमें जो बच्चे की फीस होगी उसकी पूरी की पूरी फीस हम देंगे। इसमें 30 30+60 मतलब ये हो जाएगा कि टोटल 110 बच्चे जो होंगे इसमें इन्वॉल्व करेंगे, गर्ल्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, बॉयज़ को भी इन्वॉल्व करेंगे। और हमारा इसमें फोकस जो ज़्यादा रहेगा ईडब्ल्यूएस की तरफ रहेगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है, क्योंकि जो अच्छे घर के बच्चे हैं तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये प्रोग्राम अभी पूरे सीआरपीएफ में चल रहा है, तो ये पहले क्रिकेट वाला हमारा टूर्नामेंट होगा, उसके बाद क्योंकि ये तो बहुत लंबा प्रोग्राम है, क्योंकि एक दिन में हम बच्चे को सिखा नहीं सकते हैं, तो उसमें डेज हमने फिक्स किए हुए हैं, क्लासेज हमने फिक्स किए हुई हैं। और यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है, जो यहाँ पे जो है स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, उससे हम टीचर वो वहाँ से लेंगे, और जो इतने प्रोफेशनल्स होते हैं उनको बाहर से बुला के बच्चों को हम इसको स्किल डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए और वो जाके अपना कोई रोजगार शुरू कर सके। जो 79 बटालियन सीआरपीएफ का है, उन्हें बहुत सारे मेडिकल कैंप भी किए, बहुत सारे प्रोग्राम भी किए, म्यूजिक प्रोग्राम भी किए, और जो दवाएं वो इस वक्त बांट रहे हैं गरीबों में, फ्री मेडिकल कैंप है, तो बहुत ही अच्छी बात है। हम इनके साथ हर प्रोग्राम में तामन कर रहे हैं, बल्कि हर बैलेट फोर्स के साथ, चाहे पुलिस का हो, सीआरपी का हो, आर्मी का हो, किसी बैलेट फोर्स का भी हम तावन कर रहे हैं, ताकि आवाम को राहत मिल सके, इनको जो प्रॉब्लम है उनकी दूर हो सके। आज गरीब लोगों की जो यहाँ फ्री मेडिकल कैंप चल रहा है, 17 बटालियन ने ये शुरू किया, तो हमने इनके साथ तावन किया, हम भी आ रहे हैं इनके साथ, भरपूर कदम ब कदम चल रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहे। जिस तरह आपने अभी बोला बेरोजगारी के बारे में, तो बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं कि
इनको क्रिकेट में या जो जो परफॉर्मेंस दिखाएगा म्यूजिक में क्रिकेट में जो भी टैलेंटेड होगा वो अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा अपना शो दिखाएगा टैलेंट दिखाएगा उनको आगे ले जाएंगे। देखो सर हाँ देखो आजकल ये पहले इनवाइट करते हैं सबको इन्फॉर्मेशन करते हैं कि फ्री मेडिकल कैंप है हमें भी जब पता होता है हम भी इन्फॉर्मेशन करते हैं सिविल पब्लिक को चलो फ्री मेडिकल कैंप है। जैसे कि छाती की बीमारी आमतौर हो चुकी है आज हार्ट की बीमारी आमतौर हो चुकी है शुगर की बीमारी थायराइड की बीमारी बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिनको मतलब बीमारी ने लोगों को जकड़ के रखा है और इनके बारे में बड़े बड़े डॉक्टर 79 बटालियन ने यहाँ इन्वाइट किए हैं इनको देख रहे और दवा भी इंशाल्लाह फ्री मिल रहा है। देखो हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि ये खाली बैलेट फोर्स वालों का काम नहीं सिवा लोगों को भी ऐसे करना चाहिए जो बाकी एनजीओज है जिस तरह यहाँ मखदूमी साहब है साकी मखदूमी साहब इनका भी अपना एनजीओ चल रहा है या हमारे चीफ एडवाइजर साहब है डिप्टी एडवाइजर है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और स्टेट सेक्रेटरी भी है हम चाहते हैं कि सिविल पब्लिक भी ऐसे करें और गवर्नमेंट को भी तामन करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी ऐसे इकदाम करने चाहिए। आज प्राइवेट अस्पतालों में देखो दो दो हाथ लूटे जा रहे हैं गरीब लोग उनके पास दवाएं नहीं होती अगर सरकारी अस्पताल में भी जाते हैं वहां लेटर लिख के देते हैं चिट्ठी लिख भाई बाजार से दवा लाओ ऐसा नहीं होना चाहिए कम से कम उनको सोचना चाहिए कि भाई अगर ये चिट्ठियां लेते हैं वहां ग्लूकोज मिलता है इंजेक्शन मिलता है या ज्यादा से ज्यादा कुछ टेबलेट वगैरह मिलते हैं लेकिन अक्सर बाहर आना पड़ता है ऐसा नहीं हम सरकार से अपील करते हैं कि गवर्नमेंट अस्पताल में फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि गरीब लोगों को बाहर से दवाएं ना खरीदना पड़े।